पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन के बारे में सुना तो बहुत है, बट कैसे इम्प्रूव करें समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसे पांच टेक्निक्स, ऐसी पांच चीजें जो करके आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को 2x, 3x और 10x भी ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। वी ऑल नो कि पब्लिक स्पीकिंग कितना जरूरी है। आपके सामने एक सेल्स प्रेजेंटेशन करना है, आपको लोगों को मोटिवेट करना है, आपको किसी ने पार्टी में बोल दिया कि दो शब्द आप बोलेंगे क्या, और पहली चीज़ आती है कि हमें पसीने आने लगते हैं, हम बहुत ही घबरा जाते हैं। बट अगर आप ये टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी वो घबराहट मैनेजेबल हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी। नोबडी कैन से कि आपकी वो घबराहट, आपका वो अनइजीनेस कम्प्लीटली चला जाएगा, बट यू विल बी एबल टू मैनेज दैट एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो नंबर वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी खुद कर रहा हूँ, एंड दैट इज टू रिकॉर्ड योर सेल्फ। एंड सिर्फ रिकॉर्ड करने से काम नहीं होगा, यू ऑल्सो हैव टू वॉच योर रिकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग हैं जो रिकॉर्ड करने के नाम पे डर जाते हैं, अरे मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा, क्या करूँगा। जो नेक्स्ट लेवल के होते हैं वो रिकॉर्ड तो करते हैं, बट वो रिकॉर्ड कभी रिकॉर्डिंग चेक नहीं करते हैं। बट अगर आपको नेक्स्ट लेवल का स्पीकर बनना है, स्टोरी टेलर बनना है, देन यू हैव टू रिकॉर्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू स्पीक एंड देन स्टार्ट एनालाइजिंग। एंड डोंट जस्ट वेगली एनालाइज, एनालाइज करो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी थी, आपके जेस्चर्स कैसे थे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, आपका स्माइल था कि नहीं था, आपका वॉइस में कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर ओन रिकॉर्डिंग, यू स्टार्ट बिकमिंग बेटर। सो नंबर वन टेक्निक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज टू रिकॉर्ड योर सेल्फ। नंबर टू, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज टू सीक ऑनेस्ट फीडबैक। नाउ मेरी कम्युनिटी है कॉन्फिडेंस स्टोरी टेलिंग हब, आपको पता होगा, एंड वी अलाउ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर आवर मेम्बर्स कि वो आए और प्रैक्टिस करें स्टोरी टेलिंग। एंड एवरी टाइम दे प्रैक्टिस आई टेल अदर मेम्बर्स टू प्रैक्टिस गिविंग फीडबैक, एंड आई टेल देम कि आपको दो तरीके के फीडबैक नहीं देने हैं। पहला कि वो शुगर कोटिंग नहीं चाहिए, वी डोंट नीड शुगर कोटिंग कि सब बढ़िया था, सबसे बेस्ट था, अमेजिंग था, कुछ भी नहीं इम्प्रूव होना है। एंड दूसरा कि हार्ड कोर क्रिटिक भी नहीं बनना है कि ये सबसे बकवास था, सबसे बेकार था, वो भी नहीं करना है। यू हैव टू गिव अ बैलेंस्ड फीडबैक। तो सिमिलरली यू नीड टू सीक ऑनेस्ट फीडबैक कि आप उन लोगों से जाके बोले कि मुझे ऑनेस्ट फीडबैक देना, अगर कुछ गड़बड़ है तो बताओ क्या गड़बड़ था, क्या कर सकता हूँ, और अगर कुछ कुछ अच्छा है तो वो भी बताओ। सो गेट ऑनेस्ट फीडबैक, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस स्टोरी टेलिंग हब, देर इज़ अ लिंक इन द कॉमेंट सेक्शन, गो अहेड and enroll that, I would love to welcome you in the community. Technique number 3, bahut effective technique hai, and that is called analyzing successful speakers. Chahe wo national speakers ho, international speakers ho, aap unki speech ko sirf enjoy karne ke liye mat dekhiye, analyze kariye ki kya element unhone use kiya ki ye powerful ho gaya, kaun si story unhone use ki, kahan pe unka body language amazing tha, kahan pe unka voice ka projection top notch tha. जब आप दूसरे सक्सेसफुल स्पीकर्स को एनालाइज करते हैं तो सबकॉन्शियसली आप अपना बैरोमीटर भी ऊपर करते हैं। सो स्टार्ट एनालाइजिंग सक्सेसफुल स्पीकर्स कि वो देखिए वो क्या अच्छा कर रहे हैं, एंड क्या आप उससे एसिमुलेट कर सकते हैं, क्या आप उससे मॉडल कर सकते हैं। डोंट जस्ट कॉपी, मॉडल इट एज दे से। नंबर 4, दिस इज अ लिटिल बिट सटल पॉइंट, एंड दैट इज एम्ब्रेस फेलियर एज द स्टेपिंग स्टोन टू योर सक्सेस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब आप पहली बार बोलने जाएंगे, जब आप पहली बार स्पीच देंगे, पहली बार क्लाइंट का कॉल अटेंड करेंगे, देर इज अ गुड चांस कि यू माइट नॉट बी सक्सेसफुल। बट उसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप उसको लेके बैठ जाएं यार कि ये बकवास हुआ है तो हमेशा ही बकवास होगा, और यू टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन कि ओके लेट्स एनालाइज क्या गड़बड़ हुआ है एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मैनी पीपल जब वो पहली बार बोलते हैं वो कितना मिस प्रोनाउंस करते हैं, वो कितना अनएंगेजिंग मोनोटनस बोलते हैं, बट वंस दे गो थ्रू द प्रोसेस, वंस दे कीप ऑन कमिंग बैक एंड रिपीटिंग एंड लर्निंग एंड अप्लाइंग, दे बिकम टॉप नॉच। इनफैक्ट ऑल द टॉप स्पीकर्स इन द वर्ल्ड
go through the same process. And number five, if you want to really take your journey to the next level, if you want to increase your growth, join such communities, join speaking communities, storytelling communities. One of the best communities you can join is Toastmasters. When you join Toastmasters, usme itne sare amazing speakers with the right environment, with the right mindset aate hain ki you automatically increase. You are most welcome to join our community as well, Confident Storytelling Hub, because we make sure that we are nurturing our members. We are giving them opportunities. We are giving them tools to process how to improve the storytelling, how to become a confident storyteller. So these are the five tips that you can use to improve your journey to the next level. Number one, record yourself and analyze. Number two, seek honest feedback from people. Number three is to analyze successful speakers and model them. Number four is to embrace failure as a stepping stone to success. And number five is to join relevant communities, speaking communities, storytelling communities. I am very sure when you apply these techniques, aapki journey 5 guna, 10 guna, 20 guna bhi better ho sakti hai. But what is the most important thing is, aap aaj kya karne wale hain? What are you going to do today? So I want you to write in the comment section, what is the one action, one step are you going to take to improve your speaking journey, to improve your storytelling journey? Write down in the comments. I am going to look forward to that. And as I say every time, until next time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Coach Haritosh Srivastava. I'll see you in the next video.